कहते हैं कि वही था जब कोई न था, वही है जब सब है, वही होगा जब कोई ना होगा। और ऐसी ही एक अटूट श्रद्धा का नाम है पांडेश्वर। महाराष्ट्र के पुणे जिले में बसा पांडेश्वर गांव, जो प्रतीक है श्रद्धा और वास्तुशिल्प का, जो दर्शाता है हमारी भक्ति और हमारे इतिहास को। भगवान शिव का ये मंदिर धर्म, कला और संस्कृति का उत्तम उदाहरण है। कहते हैं महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव वनवास में थे, तब उनके पिता श्री पंडु राजा का श्राद्ध होना था, किंतु उस वक्त पानी का सूखा होने के कारण मुसीबत में फंसे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा अनुसार अर्जुन ने चतुर्मुख में तप कर रहे ब्रह्म ऋषि के पास जो कर्प मंडलू है उसमें से पानी लाने के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्म ऋषि की तपश्चर्या भंग न होते देख अर्जुन ने वो कर्क मंडलू ब्रह्म ऋषि के सिर पर उल्टा किया। उस कर्क मंडलू से जब गंगा बहने लगी, तब कर्क मंडलू से निकलने के कारण उस नदी को करा नाम से जाना गया। तपश्चर्या भंग होने के कारण ब्रह्म ऋषि क्रोध में अर्जुन के पीछे आए, क्योंकि ब्रह्म ऋषि शिव भक्त थे। इस कारणवश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि वो आते वक्त रास्ते में बेल और अक्षदा डाले, जिस कारण शिवलिंग उत्पन्न होगा और उन्हें आगे आने के लिए अधिक समय लगेगा। अर्जुन ने ठीक उसी प्रकार आज्ञा का पालन किया। ब्रह्म ऋषि जब पांडेश्वर पहुंचे तब भगवान श्री कृष्ण को देखकर उनका क्रोध शांत हुआ और श्री कृष्ण की विनती अनुसार उन्होंने पंडु राजा का श्राद्ध विधि पूर्ण किया। इसी विधि के स्मरणार्थ भगवान श्री कृष्ण ने पांडेश्वर महादेव की स्थापना की। करा नदी जिन भागों से बहती है, वहां के किनारों पर सासवड़ के पंचलिंगेश्वर, नाजरा के नागेश्वर तथा पांडेश्वर के भाग में बसा पांडेश्वर महादेव मंदिर स्थापित है। शिवलिंगाचं वैशिष्ट्य असं की हे शिवलिंग 3 फूट उंचीवरच्या मयूरासनावर विराजमान आहे, असं शिवलिंग कुठेही पाहायला मिळत नाही, सर्व शिवलिंग खाली आढळतात। हेच एवढं मोठं शिवलिंग आहे जे 3 फुटाच्या या मयूरासनावर विराजमान आहे। हे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य या शिवलिंगाचं आहे। नदीचं वैशिष्ट्य असं आहे की नदीचा प्रवाह पश्चिमेपासून पूर्वेकडे आहे, परंतु मंदिराच्या समोर आल्यानंतर तिचा प्रवाह बदलतो, ती दक्षिणोत्तर होते, म्हणजेच नदी ही चारही दिशांमध्ये वाहते। शेजारी गणेश गया गणपतीचं मंदिर आहे, त्यांच्या शेजारी विष्णूंची 18 पदे 9 अवतारातली 18 पदे विष्णूंची आहेत, त्यामुळे या क्षेत्राला गया गणेश गणपती असंही म्हटलं जातं। म्हणजे अष्टविनायकाची संपूर्ण यात्रा केल्यानंतर या गया गणेशाला आल्यानंतर तुमची संपूर्ण यात्रा सफल होते असं मानलं जातं। ठोस शिला को काटकर उसमें कलात्मक रूप का सृजन इस मंदिर के वास्तुशिल्प को देखकर आता है। जिस तरह का भव्य रूप शिवलिंग का है,
उसी प्रकार का भव्य स्वरूप इस मंदिर का है। मंदिर का निर्माण ठोस चट्टानों को रचनात्मक तरीके से रखकर किया गया है। मंदिर के अलग रचना के कारण वो तीन अलग कालखंड में बना व्यतीत होता है। मुख्य द्वार से अंदर आते ही ठोस पत्थर के खंभों पे सभा मंडप सामने आता है। ये विशाल सभा मंडप संपूर्ण पत्थर से बना है। थोड़ा आगे जाते ही मध्यम गृह दिखाई पड़ता है, जो यादव कालीन चूना पत्थर से बना है, और आखिर में है इस वैभवशाली मंदिर का शिला से बना पांडेश्वर का गर्भगृह, जिसमें सिंहासन पर विराजमान है शिवलिंग का नयनरम्य रूप। मंदिर आवास में कई और आकर्षक रचनाएं बनी हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर बना महानंदीराज और कुंती माता मंदिर और अक्षय वटवृक्ष, जो यहाँ का विशेष आकर्षण है। नंदीराज के पीछे चूना पत्थर से बना एक खूबसूरत और ऊंचा मीनार है। मोरगांव के मयूरेश्वर, श्री क्षेत्र भुलेश्वर और श्री क्षेत्र पांडेश्वर, ये तीनों इस मीनार से समान अंतर पर है। मंदिर के पूर्व भाग की ओर तटबंदी कक्षाएं हैं। कहते हैं कि उत्सव के दरमियान आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में इनका निर्माण हुआ था। इन कक्षाओं के अंतर भाग में खूबसूरत नकाशी और भित्ति चित्र आकर्षक रूप से बनाए गए हैं, पर सालों पुराने होने के कारण और संरक्षण के अभाव के कारण ये वास्तु कई जगहों पर खंडित हुई है। मंदिर के मुख्य द्वार पर जय और विजय की प्रतिमाएं हैं। द्वार की चौड़ाई पर मोड़ी लिपि में लिखा शिलालेख दिखता है। मंदिर के बाह्य भाग में चार स्तंभ हैं, जिन पर चार धाम के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की प्रतिकृति नकाशी गई है। मुद्गल पुराण में इस प्राचीन मंदिर का गणेश गया और पांडेश्वर नाम से वर्णन है। उस चट्टानों से बनाया ये पांडेश्वर मंदिर हमारी प्राचीन सभ्यता और प्रगति का ज्वलंत उदाहरण है। भारत की शिल्पकला की अद्वितीय अखंड चट्टानों से बनी ये रचना काल्पनिक कलात्मक परिश्रम दिखाती है और महादेव के द्वार पर प्रेरणा और श्रद्धा का प्रदान करती है।